क्या है ये जाने, सब माने ये न माने, कैसी भी मुश्किल हो पहुंचाए मंजिल तक। मादक 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 प्रोफेसर, मादक मादक आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता प्रोफेसर। क्या मैं तुम्हारा ये लाइटर इस्तेमाल कर सकता हूं? ओह श्योर, क्यों नहीं। थैंक यू कामरान, तुम्हारे ये कहे गए शब्द किसी गंभीर परेशानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक समझे प्रोफेसर। क्या परेशानी है तुम्हारी? मेरी कंपनी के एम्प्लॉय ब्रिजमोहन दास के बारे में पुलिस से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें लिखा है कि उन्होंने बंबई के एक होटल के कमरे में एक लड़की की हत्या कर दी और चौथी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस रिपोर्ट को मैंने कई बार पढ़ा पर मुझे यकीन नहीं आता कि ब्रिजमोहन जैसा आदमी क्या ऐसा कर सकता है। ये यकीन ना करने की कोई खास वजह? खैर, ये उसकी उम्र कितनी थी? तकरीबन 50 साल। 50 साल। और कब से नौकरी कर रहा था वो? वो मेरी कंपनी में 30 साल से नौकरी कर रहा था। 30 साल से नौकरी कर रहा था। और वो मेरी कंपनी का सबसे भरोसेमंद इंसान था। परंतु सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद अब सच्चाई से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ गया है। कामरान, वो रिपोर्ट है तुम्हारे पास? यस। मैं देख सकता हूं? व्हाई नॉट। थैंक यू। कैन यू होल्ड दिस? हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार रात को करीब 3 बजे बंबई के ब्लू स्टार होटल की चौथी मंजिल से कूदकर ब्रिजमोहन दास ने आत्महत्या की और उसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और फिर शुरू होता है पुलिस की तफ्तीश का सिलसिला। हटिए आप लोग, हटिए। पाटिल, तुम पंचनामा बनवाओ। यस सर। हवलदार, तुम बॉडी के चारों तरफ मार्किंग करो। आइए सर। फोन आप ही ने किया था? जी हाँ। ये आदमी जो चौथी मंजिल से गिरा आप ही के होटल में ठहरा हुआ था? जी हाँ। क्या नाम था इसका? जी, ब्रिजमोहन दास। ब्रिजमोहन दास? जी हाँ। कौन से रूम में ठहरा हुआ था? जी, रूम नंबर 207। 207। आई वॉन्ट टू सी द रूम। श्योर सर। हवलदार, तुम ये काम पूरा करो। आप लोग जरा पीछे हटिए। आइए। This is the room.
Oh God, she's dead. पाटिल सुनो, यह एक और लाश है, तुम उस लाश को एम्बुलेंस में रखवाकर पूरी टीम को ऊपर ले आओ। यस सर। ऑलर यहीं रखो। इस लड़की को जानते हो? जी नहीं सर। मतलब ये तुम्हारे होटल में नहीं ठहरी हुई थी? जी नहीं। मतलब तुमने या होटल के किसी आदमी ने इसे आते हुए नहीं देखा? जी नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं। एक बात बताओ, तुम इस लड़की को देख के चौंके हो गए थे? जी, दरअसल बात यह है कि रात के करीब 2 बजे मिस्टर ब्रजमोहन मेरे पास आए थे एक कंप्लेंट करने। कैसी कंप्लेंट? जी, उनकी कंप्लेंट थी कि उनके बगल वाले कमरे में एक मर्द एक औरत की हत्या कर रहा है, ऐसा उन्होंने सुना। तो तुमने क्या किया? जी, मैंने तुरंत रजिस्टर देखा तो उससे मालूम चला कि उनके बगल वाले कमरे में देवराज ठक्कर अकेले रुके हुए हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने, मजबूरन मुझे देवराज ठक्कर के कमरे में फोन करना पड़ा। फिर क्या हुआ? जी, वही जो एक भले मानुस को 2 बजे रात को जगाने से होता है। इंटरकॉम में मैनेजर से मेरी शिकायत करने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। मुझे क्या मालूम मिस्टर ब्रजमोहन खुद खूनी है और खून का इल्जाम अपने बगल वाले कमरे में देवराज ठक्कर के ऊपर लगा रहे। ओह माय गॉड। मुझे मालूम ही नहीं था कि उनकी कहानी इतनी मनगढ़ंत है। दरअसल वो खून खुद ही काट चुके थे और खून की जिम्मेदारी वो देवराज ठक्कर पर लगा रहे थे। प्रतिशोध की ज्वाला। अब बात शीशे की तरह साफ नजर आ रही है। अच्छा, एक बात बताओ, रूम नंबर 205 और 208 में कौन ठहरा हुआ था? जी, कोई नहीं, खाली थे। और 206 में क्या नाम बताया आपने, कौन ठहरा हुआ था? जी, देवराज ठक्कर। देवराज ठक्कर, जी हाँ। चलिए उनसे मिलते हैं। देवराज। जी हाँ, फरमाइए। मिस्टर देवराज, आपके बगल वाले रूम से ब्रजमोहन दास नाम के किसी आदमी ने नीचे कूद कर आत्महत्या कर ली है। जी हाँ, मुझे मालूम हुआ है। और उसी कमरे से एक लड़की की लाश भी मिली है। ओह रियली? जी हाँ। मिस्टर देवराज, रूम नंबर 207 बिल्कुल आपसे सटा हुआ है, तो आपको क्या ऐसी कुछ आवाजें सुनाई दी जो संदेहजनक हो? जी हाँ, मुझे एक औरत और एक मर्द के बहस करने की आवाज जरूर सुनाई दी, लेकिन उसके बाद मुझे नींद आ गई। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दिलचस्पी लेने की आदत मेरी नहीं है। फिर हाँ, इन साहब ने फोन करके मुझे काफी डिस्टर्ब किया। जी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really very sorry सर। No problem। हाँ पाटिल, वो मुआयना वगैरह कम्प्लीट हो गया? कार्यवाही चल रही सर, बस कुछ समय और लगेगा। ठीक है तो मिस्टर देवराज, अब हम चलते हैं, हमें आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। श्योर। चलिए। पाटिल, इट इज एन ओपन एंड शट केस। हाँ, हालात तो यही कह रहे हैं सर। और हालात ये भी कह रहे हैं कि इस लड़की के ब्रजमोहन दास से पुराने संबंध थे, अय्याशी करने के मूड से दोनों होटल में ठहरे होंगे और किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर आपस में झगड़ा हुआ होगा और ब्रजमोहन दास ने लड़की की हत्या कर दी। बाद में ब्रजमोहन दास को लगा होगा कि खून के जुर्म से बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो खुद भी चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन सर, वो लड़की यहाँ आई कैसे? लड़की को होटल में आते किसी ने नहीं देखा, इसका मतलब? नो सर। इसका मतलब होटल का स्टाफ उस समय व्यस्त रहा होगा।
यस सर। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, वाकई इट्स एन ओपन एंड शट केस। पाटिल तुम ऐसा करो, कमरा नंबर 207 सील करवा दो और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मुझे इसकी डिटेल रिपोर्ट कल तक चाहिए। यस सर। और रिपोर्ट की एक कॉपी वहां भिजवा देना जहां ये आदमी सर्विस करता था। ओके। तो फिर आप ही बताइए प्रोफेसर, आज के जमाने में कोई किसी पर विश्वास कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन उसके लिए आदमी पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। ये जो बात है ना कामरान, ये बात है आस्था की, यू नो। कामरान, तुम्हें ऐसा लगता है कि ब्रिजमोहन जैसा आदमी जिस पर तुम इतना विश्वास करते थे, वो दूसरे शहर के किसी होटल में एक लड़की के साथ अय्याशी कर सकता? नहीं कामरान, इतने सालों में कभी तुमने सुना कि ब्रिजमोहन का लड़कियों के साथ कोई संबंध रहा हो? प्रोफेसर ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं सुना। नहीं, लड़कियों में किसी तरह की कोई भी दिलचस्पी रही? नहीं। वो शादीशुदा थे? नहीं। तो फिर ये तो तुम्हारे लिए बहुत अविश्वसनीय बात हुई ना? जी प्रोफेसर। अब सवाल ये उठता है कामरान कि वो लड़की उस होटल के कमरे में कहां से आई? अब या तो ब्रिजमोहन दूसरे शहर में जाकर अय्याशी करते थे, या उस रात उस होटल के कमरे में जो कुछ भी हुआ उससे ब्रिजमोहन का कोई भी संबंध नहीं था। ये असलियत क्या है ब्रिजमोहन होते तो बताते। बहरहाल घटना का जो भी विवरण पुलिस ने तुम्हें भेजा और तुमने जो कुछ भी मुझे ब्रिजमोहन के बारे में बताया, उसके आधार पर सिक्के का दूसरा पहलू भी उभारा जा सकता है। ब्रिजमोहन की डेली रिपोर्ट जो कि पुलिस को मिली, इस घटना के कुछ अहम बिंदु, पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट, अब ये तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं कामरान। ब्रिजमोहन की डेली रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो सुबह से रात तक अपने काम में व्यस्त रहा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि उस लड़की की हत्या गला दबाने से हुई, लेकिन गले पर किसी भी तरह की उंगलियों के निशान नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हत्या दस्ताने पहनकर की गई, लेकिन पुलिस को उस कमरे की तलाशी में किसी भी तरह के कोई भी दस्ताने नहीं मिले। और रिपोर्ट में यह भी साफ साफ लिखा है कि ब्रिजमोहन की लाश पसीने से तरबतर थी। इसका मतलब मरने से पहले ब्रिजमोहन ने कोई मेहनत का काम किया हो। ये तमाम वाकयात पर गहरी नजर डालें तो यह बात साफ नजर आती है कि उस रात ब्रिजमोहन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा जो कि पुलिस ने माना। तो फिर क्या हुआ होगा प्रोफेसर? मैं अपने नजरिए से तुम्हें सारा वाकया सुनाता हूं कामरान। उस दिन सुबह ब्रिजमोहन दिल्ली से बंबई पहुंचे, सुबह से शाम तक अपने काम में व्यस्त रहे, थक गए बेचारे। होटल अपने कमरे में पहुंचे, नहाए धोए खाना खाया, और उसके बाद वो अपनी डेली रिपोर्ट लिखने के लिए बैठे।
मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने नहीं देखे, तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तो मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान गई हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। अब तो मुझे सिर्फ पैसा चाहिए ताकि मैं तुम्हारी नर की दुनिया से कहीं दूर चली जाऊँ। दूर तो तुम जाओगी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना दे, वरना वरना करना क्या कर लोगी तुम? चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकते देव। तुम्हारी जुबान खुलने से पहले मैं उसे बंद कर दूंगा बोनी। घड़ी की सुइयों में वो वक्त कभी नहीं आएगा जो मुझे कानून के शिकंजे में बंद कर सके, समझे? सारी दुनिया तेरे काले कानामों के बारे में जानेगी कुत्ते। मेरा भांडा फोड़ने से पहले मैं तुझे ठिकाने लगा दूंगा बेवकूफ औरत। सारा समाज तेरा घिनौना रूप देखेगा। मेरा घिनौना रूप तुमने अभी देखा कहाँ है मोहिनी? तू क्या समझती है, तू मुझे ब्लैकमेल की धमकी देकर मुझसे पैसे वसूल कर लेगी? हाँ कर लूंगी, मुझे पूरे 10 लाख चाहिए देव। अगर मुझे पूरा पैसा नहीं मिला तो तुम्हारे काले कारनामों को पूरी दुनिया पड़ेगी, समझे? अच्छा तो तुम मेरे काले कारनामों का काला चिट्ठा अखबार में छपवाओगी? अगर तुमने मुझे पैसे देने से इनकार किया तो मैं वो भी करूंगी, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तू जेल की काली कोठरी में चक्की पीसता नजर आएगा कमीने। मैंने तेरे काले कारनामे का एक काला चिट्ठा डेली न्यूज के संपादक को भेज दिया है, अगर मैं मर गई तो तू भी नहीं बचेगा। यही है ना, तुम्हारी प्यारी दोस्त रोजी ने मुझे प्रेजेंट किया। बाय मोनी। ये बहुत बुरा टाइम है, लगता है इसने भूत देख लिया है। एक्सक्यूज मी जनाब, एक्सक्यूज मी, सुनिए सर,
जनाब, मैं एक रिपोर्ट करना चाहता हूँ। रिपोर्ट इतनी रात को? जी, मामला बहुत संगीन है। मेरे बगल वाले रूम में खून हो गया है। खून? जी हाँ। आपने देखा क्या? जी देखा तो नहीं, लेकिन सुना है। मैं रूम नंबर 206 में रहने वाले कपिल के बारे में कह रहा हूँ। उस मर्द ने अपने साथ वाली औरत का खून कर दिया है। आप प्लीज पुलिस को बुलाइए ना। 206। हाँ? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। आपके बगल वाले कमरे में कोई कपल नहीं रुका हुआ है। ये सिंगल रूम है और यहाँ मिस्टर देवराज ठक्कर रुके हुए हैं अकेले। अब कमाल करते हैं साहब, मैंने उन दोनों को बातचीत करते हुए सुना है। अब पुलिस को बुलाइए ना प्लीज। आप समझते क्यों नहीं? समझ तो आप नहीं रहे हैं जनाब। और मैं चौथी मंजिल से यूं ही पैदल उतर कर नहीं आया हूं। और मुझे कोई गलतफहमी भी नहीं है। मेरी बस आंख लगी थी कि मैंने बगल वाले रूम में एक एक मर्द औरत को आपस में झगड़ते हुए सुना है। या यूं कहिए कि आपने कोई सपना देखा है। खैर, ऐसा होना कोई अनहोनी बात नहीं है। आप काफी थके हुए लग रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। जी नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप चलकर रूम नंबर 206 की तलाशी ले लीजिए। देखिए, इससे पहले वो खूनी भाग जाए हमें उसे पकड़ना चाहिए। प्लीज, आप कोई जासूसी उपन्यास पढ़ते पढ़ते तो नहीं सो गए थे मिस्टर ब्रजमोहन जी? हाँ, वो सोने से पहले मैं जासूसी उपन्यास जरूर पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद भी आ गई थी। लेकिन उससे क्या? इससे ये कि जो कुछ भी आपने सुना सब सपने में सुना। जासूसी उपन्यास पढ़ते पढ़ते अक्सर ऐसा होता है कि उसके पात्र सपने में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ऐसा होना कोई अनहोनी बात नहीं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आपके साथ हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। रिलैक्स। अच्छा, एक बात बताइए, क्या उस उपन्यास में ऐसी कोई घटना थी जिसमें एक मर्द एक औरत की हत्या कर देता है? देखिए जनाब, मैंने अपना फर्ज समझकर आपको इन्फॉर्म किया है। अगर आप अगला कदम नहीं उठाते और वो खूनी भाग जाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे? देखिए, इतनी रात को किसी क्लाइंट के कमरे की तलाशी लेने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। अगर आपकी बात सच नहीं निकली तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और होटल की बदनामी होगी, सो अलग। जी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं देवराज जी से फोन में बात कर सकता हूँ। मिस्टर देवराज जी? क्या है? जी, मैं डेस्क क्लर्क बोल रहा हूँ। जी, मैंने इसलिए फोन किया था कि आपके कमरे में सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक ठाक? ठीक ठाक से क्या मतलब है तुम्हारा? आधी रात को यही जानने के लिए तुमने फोन किया? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? जी, वो बात यह है कि आपके बगल वाले कमरे के मिस्टर ब्रजमोहन जी की शिकायत है कि उन्होंने आपके कमरे से कुछ संदेहजनक आवाजें सुनी। उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ किसी की हत्या कर दी गई है। हत्या? और मेरे कमरे में? जी हाँ, मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने उनसे कहा यह उनका भ्रम है, लेकिन वो माने नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन आपको फोन करना पड़ा। वो मिस्टर, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे होटल के यात्री सपना देखकर भ्रम में आ जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन शरीफों को आधी रात में परेशान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। आई रिपोर्ट दिस टू द मैनेजर। जी जी, माफ कीजिएगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो मिस्टर ब्रजमोहन जी बार बार मुझसे कह रहे थे, इसलिए सर मैंने आपको फोन किया। ब्रजमोहन जाए जहन्नुम में और तुम भी। ये होटल है या पागलखाना? मरवा दिया ना? अब तो आपको यकीन आ गया कि आपके बगल वाले कमरे में कोई खून या डकैती नहीं हुई है? खमोखा आपने देवराज जी को परेशान करवाया और मुझे भी। मेहरबानी करके अब आप अपने कमरे में जाइए और आराम फरमाइए प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट क्या, बैड नाइट बोलिए, बैड नाइट। कहां कहां से आ जाते हैं पता नहीं। ब्रज मोहन दास कहीं भी उस क्लर्क के रॉब में तो नहीं आ गया? मैं ही सीधे पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं।
अगर वाकई मैं गलतफहमी का शिकार हूं तो पुलिस के सामने तो बहुत बेइज्जत होना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। कि सचमुच मुझसे गलती हुई है, सच्ची का होगा, मैंने भूत देखा, हो सकता है वो क्लब क्या कह रहा था, नींद में सपने में, लगता है मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। मैं अनिल राज गोखले। तो आप ही ब्रिजमोहन दास जी है ना? हाँ हूँ। तो मैं कमरा नंबर 205 में ठहरा हुआ हूँ। उससे क्या, अब क्या? जरा आहिस्ता बोलिए, मुझे कमरा नंबर 206 के बारे में आपसे कुछ मशवरा करना है। मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने का मौका दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आइए। देखिए देखिए, आपने जो कुछ भी सुना है ठीक मैंने भी वही सुना है। और जब आप डेस्क क्लर्क को रिपोर्ट करने जा रहे थे तो मैंने अपने दरवाजे की ओर से आपको जाते हुए देखा, और फिर मैंने बगल के कमरे वाले को टेलीफोन पर बात करते हुए सुना है। लेकिन वो डेस्क क्लर्क तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था, बल्कि उसने तो मुझे ही बुद्धू समझा। अगर खूनी को पता चल गया तो वो भागने की कोशिश करेगा। हमें जो कुछ भी करना है चुपचाप करना है। देखिए देखिए, आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए? आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। मैं देखिए, मैंने तो जब से ये जाना है कि बगल के कमरे में खून हो गया है, मेरे तो दिल की धड़कन ही नहीं रुक रही। तो देखिए, मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं आप जैसा साथी नहीं हूं। और मेरे लिए तो यही बहुत है कि मैं कमरा नंबर 206 डाक के आपके दरवाजे तक आ गया, और जब तक आपने दरवाजा नहीं खोला मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं वो खूनी बाहर निकलकर मेरा गला ही न दबाते। देखिए आप बहुत साहसी हैं। वो तो मैंने तो सब वही किया जो मेरा फर्ज बनता था, यू नो। तो आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। देखिए मर्डर का मामला है। जी हाँ, तो हम दोनों चलकर एक बार डेस्क क्लर्क पर तलाशी लेने के लिए जोर डालें, हो सकता है हमारी बात मान जाए। और वो इन डेस्क क्लर्क की जात आप नहीं जानते ब्रिजमोहन जी। अगर इनके टेबल पर लाश भी रख दी जाए तो ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि खून हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ करेंगे। तो फिर हम चुपचाप पुलिस को खबर कर दे। पुलिस आकर होटल घेर लेगी और खून पकड़ा जाएगा। क्या ये ठीक होगा? हाँ। मुझे तो ये लगता है कि हमें पहले पता कर लेना चाहिए कि वाकई खून हुआ है या नहीं, और जब हमें इत्मीनान हो जाए फिर हम फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। आप भी कमाल करते हैं जनाब, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम दोनों ने कानून सुना है। देखिए मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। देखिए हमने कानों से सुना है कि खून हो गया है, लेकिन आंखों से देखा नहीं। हो सकता है
हो सकता है वो औरत मरी ना हो, बेहोश हो गई हो, और होश में आने के बाद इन दोनों में सुलह हो जाए, फिर हमें लेने के देने पड़ जाएंगे अगर इन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। देखिए देखिए हम क्षतिपूर्ति और उल्टे सीधे केसों में फंस जाएंगे ब्रिजमोहन जी। हमें तो पहुंचे, मुझे तो पता चला है कि कई कपल्स इस तरीके के केस करने के लिए ही होटल में ढूंढ रखते हैं। तो फिर आप ही बताएं ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ ज्यादा ही अनुभवी हैं, प्लीज आप ही कुछ बताइए। वो तो है लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में एक बात आता है, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी हम लाश तो देख लें लेकिन खूनी को कानो कान खबर ना हो। कमाल करते हैं, रूम नंबर 206 अंदर से बंद है, हम लाश देखेंगे कैसे? आपकी अपनी खिड़की से होकर कमरा नंबर 206 की खिड़की में जा सकते हैं। खिड़की से होकर 206 नहीं, वो क्या है कि खिड़की के नीचे एक छज्जा है, आइए, और एक आदमी बड़े आराम से उस छज्जे से होकर कमरा नंबर 206 की खिड़की में जा सकता है, और पर्दा हटाकर आप देख सकते हैं कि लाश है या नहीं, और अगर आपने लाश देख ली तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन खिड़की से मतलब मैं क्यों, आप क्यों नहीं? वो नहीं, मैं चला जाता लेकिन वो क्या है कि ऊंचाई से नीचे देखने में मुझे चक्कर आ जाता है और मौत का भी डर है। लेकिन आपकी जांच पे हमारे आगे का कार्यक्रम पूरा निर्भर करता है ब्रिजमोहन जी। अगर आपने लाश देख ली तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे और हम कातिल को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। वो तो ठीक है लेकिन आप डर रहे हैं। है? नहीं मैं क्यों डरूंगा? नहीं, मुझे लगता है आप डर रहे हैं। नहीं इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, अगर डर रहे हैं तो फिर रहने दीजिए। डरने की कोई बात नहीं है, आप अगर कहते हैं तो मैं खिड़की से जाता हूँ। संभाल के ब्रिजमोहन जी। हाँ ठीक है और घबराइएगा नहीं। नहीं मैं हूँ, आराम से जाइए। हाँ ठीक है आराम से। देखिए अगर डर लग रहा हो तो वापस आ जाइए। नहीं ब्रिजमोहन जी, रिस्क मत लीजिए। ठीक है जरा संभाल के जाइएगा। देखिए देखिए संभाल के ब्रिजमोहन जी, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हो। देखिए संभालिएगा और सुनिए, ध्यान से पर्दा हटा कर देखिएगा, लाश दिखनी चाहिए। ब्रिजमोहन जी आप सुन रहे हैं ना? सुन रहा है। संभाल के ब्रिजमोहन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर जरूरत हो तो आप मुझे आवाज दीजिएगा। हाँ ठीक है मैं यहाँ हूँ, घबराइएगा नहीं। अच्छी मुसीबत मोल ली यार। पहुंच गए, बस एक बार लाश देख लो फिर बताऊंगा कलर के बच्चे को। खिड़की तो बंद है, ये तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लाश कैसे देखूं? सारी मेहनत पानी में गई क्या? ब्रिजमोहन जी सुनिए, ब्रिजमोहन जी यहाँ आइए, गजब हो गया। क्या हुआ? गजब हो गया ब्रिजमोहन जी, इधर आइए। क्या है, चिल्ला मत। ब्रिजमोहन जी जल्दी आइए। अरे देखिए क्या हो गया यहाँ पे, जल्दी आइए। आ रहा हूँ, चिल्ला मत। कमाल करते हैं,
भेजा भी खुद, अब बुलाता भी वापस आए। लाश भी नहीं देखी, सारी मेहनत पानी में गई, पता नहीं वहां पर क्या हुआ होगा। इतना ही वापस जाना पड़ेगा। देखूं क्या एक बार फिर, कुछ नजर नहीं आता, क्या पता, पता नहीं वापस क्यों बुलाया उसने। ये बहुत ऊंचा है, मिला, सही है। जाते वक्त तो इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, ये अब पता नहीं क्यों बुलाया उसने। सब करो, देखो पहुंच गया, देखो क्या कर रहा है। लाश, मेरे कमरे में लड़की की लाश, मेरे कमरे में। वो आदमी कहां गया, वो आदमी कहां गया? तू ब्रिज मोहनदास, एक प्यादा, शतरंज की बाजी का सबसे कमजोर मोहरा, जो एक बार में सिर्फ एक ही घर आगे बढ़ सकता है, और बेचारा एक बार आगे बढ़ गया तो फिर वापस नहीं लौट सकता। देवराज ठक्कर, एक वजीर, शतरंज की बाजी का सबसे ताकतवर मोहरा, जिसकी मार हर तरफ से होती है। कामरान, ये जो बात मैंने तुम्हें कही, ये तुम्हें अपने एम्प्लॉय के बारे में सही लगी या नहीं? आपकी नजर से देखने के बाद ये बात मुझे 100% सही लगी प्रोफेसर। अब मेरी नजर से सुनाए गए उसी वाक्यात का दूसरा पहलू तुम्हारे सामने है कामरान। मेरी दृष्टि से सुनाई गई कहानी का दूसरा पक्ष अगर तुम्हें कुछ अलग दिखाई देता है तो मैं तुम्हें यह सजेस्ट करूंगा कि तुम इस केस को री इन्वेस्टिगेट करवाओ। जरूर प्रोफेसर। फेयर इनफ। अब जो हादसा तुम्हारे एम्प्लॉय के साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है, और ब्रिजमोहन के साथ हुए उस हादसे की सच्चाई की तह तक पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बात अपने लोगों पर विश्वास की है, आस्था की है। यू आर एब्सोल्युटली राइट प्रोफेसर। ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है मुझे जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा, चलता हूं। और कामरान ने प्रोफेसर के कहे अनुसार केस को री इन्वेस्टिगेट करवाया और असली मुजरिम पकड़ा गया।